एक्सक्यूज मी भाई साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये रास्ता किधर है? ये रास्ता तो भाई साहब मुझे लगता है ये रास्ता, हाँ हाँ भाई साहब थोड़ा जल्दी करो, जल्दी बताओ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हाँ भाई साहब, ये रास्ता यहाँ लक्कीवाल रोड से 2 किलोमीटर दूर आगे जाकर है। यार ठीक है भाई साहब, आपने रास्ता बताया, बहुत शुक्रिया, अब आप जाएं। ये लो भाई साहब आपका दूध। यार तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? तुम्हें नहीं पता ईद के दिन है, लोगों ने मेरा सर खा लिया है। यार अदीम काम तो हो गया है, ये पकड़, मैं बहुत गंदा हो गया हूँ, मैं भी हाथ मुंह धो लेता हूँ। तू धो ले, मैं भी धो लेता हूँ। यार इसी ईद की वजह से तो मुझे भी देर होगी, तुम ये सब छोड़ो और ये अपना दूध पूरा कर लो। अच्छा अच्छा, अरे ये क्या, इसके अंदर तो दूध ही नहीं है, दूध किधर गया? दूध नहीं है यार, मैं तो लेकर आया था और दूध इसी बाल्टी के अंदर था। यार मुझे नहीं पता कि दूध किधर गया, मुझे बस मेरा दूध ला के दो, वरना तुम्हारे अगले पिछले पैसे काट लूंगा मैं। लेकिन 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 कुछ नहीं, मुझे मेरा दूध ला के दो। यार ना, ये मेरे साथ क्या हो गया? यार वो बाल्टी किधर गई? हैं? यार बाल्टी किधर गई? अभी तो मैंने यहीं पर रखी थी। अगर बाल्टी तुमने यहीं पर रखी थी तो आसमान खा गई, जमीन निकल गई। अरे यार जुबैर मेरा यकीन कर, मैंने बाल्टी यहीं पर रखी थी, आखिर यहाँ से गायब कैसे हो सकती है? यार एक काम भी तुझसे ठीक से नहीं होता, चला आप जल्दी से ढूंढते हैं उसे। पूरा रास्ता छान मारा यार, मुझे वो बाल्टी कहीं भी नहीं मिल रही, आखिर वो बाल्टी जा कहाँ सकती है? 15,000 रुपए का नुकसान है, मैं कहाँ से पूरा करूंगा यार वो। अकबर अल्लाह अकबर। अजान हो रही है, यहीं पर वुजू करके नमाज पढ़ लेता हूँ। यार अदीम सारी जगह छान मारी है, बाल्टी तो कहीं पर मिल ही नहीं रही। मुझे लगता है यार जैसे हमने उस बंदे से बाल्टी मारी है ना, हमसे भी कोई उड़ा कर ले गया। एक काम करते हैं, बाल्टी ज्यादा आगे नहीं गई होगी, थोड़ा आगे और देखते हैं। हाँ चल। बाल्टी पता नहीं यार किधर गई, या अल्लाह तू ही मदद फरमा। ये क्या, ये तो वही बाल्टी है। यार जुबैर हर तरफ ढूंढ ली लेकिन यार वो बाल्टी तो कहीं पर भी नहीं मिली। वो ठीक ही कहते हैं नदीम, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। चल हम अपना नसीब ढूंढते हैं यार। चल जुबैर तो कैसे पहुंची? यार जुबैर तू बाल्टी को छोड़, तू ये सोच कि ये बाल्टी वाला बंदा यहाँ पे कैसे पहुंच गया। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बेशक कोई भी किसी दूसरे के नसीब से नहीं खा सकता, हर इंसान का अपना नसीब होता है और इसीलिए तो कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, बहुत शुक्रिया।